सो वेलकम टू दिस केस स्टडी, जिसमें मैं एक डॉग के ऊपर वर्क कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पुल करता है अपने ह्यूमन को और ज़मीन पे से चीज़ें उठाता है। सो इस डॉग के साथ हमने कैसे वर्क किया, कॉलर की पोजीशन क्यों ज़रूरी होती है वो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि हमने जैसे ही कॉलर की पोजीशन चेंज करी, हमने उसको ठीक टाइम पे करेक्ट करना स्टार्ट किया, ये डॉग कम्प्लीटली चेंज हो गया। इसने पुल करना बंद कर दिया, प्लस ज़मीन से चीज़ें उठाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। मज़ा आएगा देखकर आपको। वॉक योर डॉग्स लीश टोटल एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। हाँ लीश, तो ये वॉक करने में दिक्कत करता है आपको बहुत? ही पुल्स बिकॉज आपका कॉलर गलत है, है ना। यहाँ पर ये छोड़ो, इतना आपकी हाइट देखो, यहाँ पर इतनी हाइट है, उस हाइट पर आपका ये आना चाहिए। देयर गो। तो जैसे ही आगे जाएगा तो आप क्या करोगे, जैसे आगे जाएगा पुल अप। सी अभी क्या हो रहा है, कहाँ चल रहा है, इजी पुलिंग मी, व्हाई? बिकॉज आई एम इन कंट्रोल, है ना। तो डॉग पुल नहीं करता है ना, हमको सीखना होता है कि इनको कैसे वॉक कराना है। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ऊपर पुल कर रहा हूँ, मैं उसको ऊपर पुल कर रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो उसका पुलिंग बिहेवियर हमने कितनी देर में चेंज किया, है ना। हाँ, तो ये ना जस्ट ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। ह्यूमन क्या सोचता है कि डॉग अपने आप उसके साथ चलने लगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ दुनिया भर की स्मेल है तो उनका वो डॉग खींचता है उसकी तरह, हमें उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे ही वो आगे जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम पुलिंग अप एंड देन रिलैक्सिंग, पुलिंग अप एंड देन रिलैक्सिंग। देख रहे हो अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर में से क्या होगा, इसको आदत हो जाएगी। ओके, देर यू गो, देर यू गो, देर यू गो। तो यहाँ पर आइए, योर टर्न। नो, हाँ ऐसे, वेरी गुड, ऐसे अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, और इसको हाँ स्लाइट अपनी हाइट के हिसाब से। वेरी गुड, यू आर लर्निंग वेरी फास्ट। ओके, या वॉक। सो फिर मैंने ये डॉग को थोड़ा वॉक कराने के बाद, उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद, ये मैंने उनको दिया कि आप अपने डॉग को वॉक कराइए। फिर मैंने देखा कि अभी वो मिस्टेक कर रहे हैं, अभी भी पुरानी हैबिट है ह्यूमन की कि वो ठीक टाइम पे करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉलर ठीक जगह पर नहीं है, जिसकी वजह से डॉग ने वापस से ज़मीन से चीज़ें उठाना स्टार्ट कर दिया एंड देन पुल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिर जाता हूँ, फिर उनको एक्सप्लेनेशन देता हूँ एंड देन आप उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉग वापस से नीचे चाट रहा है, लेकिन ह्यूमन उसको करेक्ट नहीं कर पा रहा है। और ये इस तरीके से डॉग की हैबिट होती जाती है कि वो वॉक पर, अभी उसको सूसू चाट रहा है वो, एंड वो अब यहाँ पर सूसू करने वाला है, लाइक सो एक गलत हैबिट है ये। हम वॉक पे इस तरीके से डॉग को अलाउ नहीं कर सकते। आप इसकी लीश ठीक से करने लग जाओगे तब ये पिकअप करना बंद कर देगा, है ना। अभी लीश हमेशा टॉप के ऊपर, हाँ इट गोज डाउन इसलिए क्योंकि हमारी टाइमिंग ऑफ हो रही है ना, हमारी टाइमिंग ऑफ हो रही है। तो अगर नीचे जा रही है तो उसको हम थोड़ी देर रुकेंगे, वापस से हम इसको सही करेंगे लीश को, एंड देन फिर वापस से हम वॉक करेंगे। जितनी बार भी नीचे जाएगी मैं उतनी बार रुकूंगा उस समय। तो हमारा मकसद है कि हमें सीखना है ना, हमें वॉक करानी है। अगर वो नीचे चली गई तो डॉग हमको वॉक करा रहा है ना, ये हमारा मकसद नहीं है। तो हमेशा लीश कहाँ पर हो, यहाँ टॉप के ऊपर हो। और जैसे ही वो आगे जाए, हमसे आगे निकल रहा है, पुल अप। देखा अभी क्या हुआ, उधर जा रहा था, मैंने क्या करा, मैंने पुल अप किया, मैं उसके पीछे नहीं भागा। तो अगर मैं उसके पीछे भागूंगा ये कभी सीखेगा नहीं। ओके, देर गो, इधर इधर देखो, इधर आओ और ऐसे मत पकड़ो। क्या ओके, इट इज हर्टिंग। तो ऐसे पकड़ लीजिए ना, लेकिन अपने हाथ पे, अपने हाथ ऐसे पकड़िए, है ना। लेकिन अपने हाथ पे ध्यान दीजिए कि आपका हाथ रिलैक्स हो, इसमें हाथ टाइट हो जाता है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक बस एक, हाँ एक, और ये इसके साथ में, गुड, वेरी गुड। हाँ तो इसका मतलब आपको वॉक करने की जरूरत है। घर पे मत बैठो, बाहर निकलो। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर रहा है, डॉग साथ में चल रहा है, वो नीचे से चीज़ें नहीं उठा रहा है एंड पुल नहीं कर रहा है। तो जब ये आए थे तब एक डिफरेंट सिचुएशन थी एंड बहुत ही कम टाइम में डॉग कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि देखा अभी आपने यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन दिया उन्होंने। तो हमें टाइम पे करेक्ट करना होता है, कॉलर की पोजीशन सही करनी होती है, डॉग आपको सुनने के लिए रेडी है, लेकिन हम उनको सुना रहे हैं क्या अच्छी तरीके से। सो बहुत सिंपल केस था, बहुत सिंपल वीडियो था, लेकिन लोग इस
इश्यूज़ की वजह से ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, वो अपने डॉग को बाहर लंबी वॉक्स पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। सो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डॉग को कॉलर पहना रहे हैं वो टॉप पर रहे, ठीक टाइम पे आप उसको करेक्शन दें, अवेयर रहें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डॉग को टीच करना कि वो आपके साथ वॉक करें, आपके ऊपर फोकस दें और वो वॉक के ड्यूरिंग काम हो। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वो और मज़ेदार है।